ये कॉन्ट्रोवर्सी में ना तो भाव का कोई लेना देना था, ना तो पनोनी भैया का कोई लेना देना था। ये कॉन्ट्रोवर्सी बहुत ही सोच समझ कर, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ये साजिश का भांडा सारा मैंने आपके लोगों के सामने फोड़ दिया। अभी जो लाइव चल रही थी वो आपा, पता नहीं कौन है वो आपा, ठीक है। अब वहाँ पे लाइव पे ये लोग पिछले आधे घंटे से एक ही डिस्कस कर रहे थे। वो बोल रही थी कि पहले मलाइका को बोलो सॉरी बोले, वो लोग बोल रहे थे कि पहले तू सॉरी बोल, ये वो। तो भाई बेसिकली चीज़ ये है कि नथिंग इज़ न्यू गाइस। तुम लोगों का चूतिया काटा जा रहा है, तुम लोगों के टाइम का, तुम लोगों के इंटरनेट का, और स्पेशली के यू फक विथ योर आईज। बिकॉज जब आप लोग लाइव देखते हो तो आपकी आईज ऑल द टाइम ऑन द स्क्रीन पे, स्क्रीन पे रहती है, ठीक है। तो भाई ये बकचोदियों में मत आओ। कॉन्ट्रोवर्सी होती एक दो दिन की, एक दो दिन में बात खत्म हो जाती है, मुसाफिर आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो फालतू में ही भाऊ का हराम का फेम खाने के लिए ये कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर भाऊ को घसीटा गया और कुछ नहीं है। तो भाई देखो, जितने भी लोग यहाँ पे जो ज्ञानी लोग हैं, समझते हो ना, ज्ञानी लोग, नॉलेज वाले लोग, वो लोग हैं, तो बात को समझो। ये कॉन्ट्रोवर्सी में बड़े बड़े अकाउंटों का कोई लेना देना ही नहीं था। ना तो मलाइका को कोई जानता है, ना तो नंगड़ विधवा को कोई जानता है। नंगड़ विधवा तो वेली बैठती है पूरे पूरे दिन अपने घर पे, उसके अकाउंट की माँ चुदी पड़ी थी, ठीक है भाई, कर दी दोनों ने कॉन्ट्रोवर्सी। अब सही भी होगी, सच होगी बातें, लेकिन जो शेरनी ने जो ड्रामा किया, अपना दिमाग लगा के भाऊ को घसीटा, मुझे घसीटा, अब ये सारी चीज़ें कब से वो कर रही है लाइव पे जाके कि मुझे ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, ठीक है ना। तो भाई इसमें आप लोगों का कतई चूतिया कट रहा है। तो भाई अब आप लोग देख लो क्या करना है आप लोगों को, क्या नहीं करना है, ठीक है। चलो भाई, मेरी जानकारी देने का टाइम समाप्त हुआ भाइयों। मिलते हैं कल नई कॉन्ट्रोवर्सी के साथ। ये मलाइका बोल रही है, ऐड करो, आ जा भाई मलाइका, ज्ञान बांट दे थोड़ा लोगों को। मलाइका ही है ये कि फेक अकाउंट? मलाइका तुम ही हो या फेक अकाउंट है ये तुम्हारा? है ना, ये मलाइका नहीं है भाई, ये फेक अकाउंट है उसका। चलो भाई, ये मलाइका का फेक अकाउंट है, निकलो भाई, ठीक है। तो भाई साले दिखावे पे मत जाओ, अपनी अक्ल लगाओ, अपनी अक्ल से कुछ सोचो जिंदगी ते, कुछ तो सोचो कि कहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अब ये कॉन्ट्रोवर्सी का एंड करने का टाइम आ गया था, मुझसे रहा नहीं जा रहा था, इसीलिए मैंने आके सच्चाई खोल ली लोगों के सामने। तो यही सच्चाई है, मैंने सारी चीजें आप लोगों के सामने खोल के रख दी। अब ये दोनों सॉरी बोलेंगे, लिखना है तो लिख लियो कोरे कागज पे, ठीक है, कोरे कागज पे लिख लियो ये बात। पहले वो सॉरी बोलेगी, या तो नंगड़ विधवा बोलेगी, जो भी बोलेगा, ठीक है, सॉरी बोलेंगे वो लोग और बात हो जाएगी खत्म। देख लियो, कुछ नहीं होगा। क्या हुआ, हुआ क्या, ना तो तुम्हें हंसी आई, ना तो कुछ हुआ, वही गाली गलौज सुनी, वही भैंचो फालतू की बातें, मैं मर जाऊंगी, सुसाइड कर लूंगी। मैं तो कल रात को डीएम पे डीएम चेक कर रहा था, मैंने बोला एक डीएम तो ऐसा है कि नंगड़ विधवा निकल ली इस दुनिया से, एक डीएम नहीं आया ऐसा। मैंने स्पेशली फोन करके पूछा भी लोगों को कि चंदन की लकड़ियों का ऑर्डर दे दू, तो लोगों ने ये बोला कि निकलने तो दो पहले बुढ़िया को, उसके बाद ऑर्डर दियो। मुझे पता ही था कि ये नहीं निकलेगी, ये निकल ही नहीं सकती। ये एक ऐसा पक्षी है इंस्टाग्राम पे, उसको तुम बुलाओ ना बुलाओ, फिर भी ये जाएगी लाइव पे लोगों की। ये एक ऐसी
औरत है पूरे इंस्टाग्राम पे कि जिसको कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही नहीं है इसको। उस दिन देखा था ना आप लोगों ने, बिल्ली जी बिल्ली जी बिल्ली जी बिल्ली जी बिल्ली जी कर रही थी, राइट। तो इसको कोई सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ है ही नहीं जिंदगी में, इसको सिर्फ चाहिए व्यूअर्स। अब देखो 300K का केक कटा था अभी, दो दिन पहले ही कटा ना 300K का, वो क्या नाम है उसका, बर्राज भाई ने काटा, राइट। अभी देखो नंगड़ विधवा के 303 की हो गए, 3,000 फॉलोअर्स, और तुम्हारे इंटरनेट की माँ चुद गई। अब हंसो भोसड़ी वालों नीचे, हंसो नीचे। अरे हंसते क्यों नहीं हो, हंसो हंसो नीचे हंसो, अरे स्माइल करो सब लोग, बहन के लड़ो, मजा है ना तुम लोगों का। नंगड़ विधवा ने काट लिया चूतिया बड़े वाला बाऊ का, आराम का फेम खा के। हंसो हंसो नीचे बहन के लड़ो, देखो नीचे लोग कोई 304 लिख रहे हैं, क्योंकि अभी गई थी ना वो लाइव पे, तो वहीं से ही मिले होंगे 500, 600, 800, 1,000 जैसे। अब लाइव से निकली, उसने देखा दूसरे फोन से कि भाई अपना काम तो हो गया, माँ चुन निकलो अब यहाँ से, अपना तो हो गया ना आज का, मिल गए फॉलोवर्स, अब निकल लो यहाँ से, राइट। अब टकीला वकीला पिएगी अपना आराम से वोडका वोडका, और सो जाएगी बुढ़िया, उठेगी कल फिर नंगड़ विधवा। तो भाई ये पूरा एक जाल था, ये एक बहुत बज्जा, बज्जे से बज्जा, ये तुम लोगों को एक चूतिया काटा गया है तुम्हारा। तुम लोग एक क्या बोलते हो उसको, मैं बीच में बहन जो एक वर्ड सीखा था, मैं बहुत ही अच्छा वर्ड सीखा था यार, मैं यार क्या बोलते हो उसको, बहन जो बहुत ही अच्छा वर्ड था यार, मेरे 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 मुंह पे वो वर्ड चिपक गया था। हाँ याद है अभी, ये वर्ड सभी याद है कि ये जो है ना नंगड़ विधवा, वो एक छलावा है, छलावा छलावा है, वो नंगड़ विधवा एक छलावा है, छलावा, समझे? क्या समझोगे साले तुम लोग, 4,000 फॉलोअर्स उसके हो गए, अब क्या लौड़ा समझोगे तुम लोग, समझा दिया नंगड़ औरत ने। कहां पे आई है मलाइका भाई, नहीं आई है मलाइका, एक मिनट। सर्च करता हूं भाई, मैं एक मिनट रुक जाऊं। भाई नहीं आई है वो, ठीक है। तो चलो भाइयों, सब लोग अपना ख्याल रखो, सतर्क रहो, वो आता है ना क्राइम पेट्रोल में, सतर्क रहो, सुरक्षित रहो, और ऐसे चूतिया होने से बचो।